नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्पबॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप किसी भी वेबसाइट का डेटा चेंज कर सकते हैं और वेबसाइट में कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा जो यहाँ पर बैलेंस शो कर रहा है पेटीएम में, वो है 4 लाख रुपीज़, लेकिन ये मेरा एक्चुअल बैलेंस नहीं है। आप देख सकते हैं ओरिजिनल paytm.com वेबसाइट है, मैं स्क्रॉल करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे ही वेबसाइट का डेटा चेंज करके किसी भी यूट्यूब में और व्हाट्सएप में जो है आपको फेक डेटा आपको दिया जाता है और देखा जाए कि मैंने पेटीएम से इतना अर्न किया है, दूसरा वेबसाइट से इतना अर्न किया है, लेकिन ये फेक होता है। तो कैसे आप किसी भी वेबसाइट का डेटा एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मैं आप इसको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह के हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो ऐसे ही आपको किसी भी डेटा को चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले मैं आपको ओरिजिनल मेरा बैलेंस जो है कितना दिखा देता हूँ। अब जब भी पेज को रिफ्रेश कर देंगे यहाँ पर तो ओरिजिनल बैलेंस यहाँ पर देखिए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पेज रिफ्रेश होने के बाद ओरिजिनल बैलेंस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा 467 रुपीज़ है अभी, ठीक है। तो इस डाटा को भी चेंज करने के लिए आपको उस डाटा के ऊपर राइट क्लिक करना है माउस से, और राइट क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा देखिए इंस्पेक्ट यहाँ पर, तो वहाँ पर जाके क्लिक करना है। तो इंस्पेक्ट जब भी आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो वेबसाइट का डेवलपर ऑप्शन होता है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपको डाटा को चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए जो सिस्टम आ रहा है यहाँ पर, तो ये थोड़ा साइज एडजस्ट नहीं होता, तो आपको सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेना है। इसको एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे रोटेट करके और दूसरा साइज को चेंज करके यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी 100% करके देख लेता हूँ। तो यहाँ से आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है कि पूरा विंडोज यहाँ पे शो हो जाए। हाँ देखिए यहाँ पर अभी डेटा जो है यहाँ पर एडजस्ट हो गया है मेरा सिस्टम। उसके बाद जो जिस डेटा को आपको चेंज करना है वहाँ पर जाके माउस ले जाना है, और माउस ले जाने के बाद यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करके इंस्पेक्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। जब भी यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे देखिए यहाँ पर एक लाइन आ गया है, और इस लाइन पर जब आप माउस ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा डाटा आपको चेंज करना है। देखिए मेरा बैलेंस के ऊपर भी कलर आ रहा है, तो यहाँ पर जाके यहाँ पर जो एरो का साइन शो कर रहा है वहाँ पर जाके क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पर जो बैलेंस है वो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। और बैलेंस यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अभी 5 लाख कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है, देखिए डाटा यहाँ पर चेंज हो गया, 5 करोड़ का हो गया, 5 करोड़ यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद आप अगर आपको कुछ भी कलर चेंज करना है तो कुछ भी डाटा यहाँ से आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको कलर चेंज करना है तो सेम प्रोसेस है, कलर में जाइए और वहाँ पर इंस्पेक्ट ऑप्शन में क्लिक कीजिए, ठीक है। तो इंस्पेक्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर के लिए आपको नीचे देखिए जो ऑप्शन है नीचे यहाँ पर नीचे, तो नीचे कलर का जो आइकन शो कर रहा है वहाँ पर जाकर आपको क्लिक करना है, जो कलर आ जाएगा यहाँ से आपको सिलेक्ट करके कुछ भी कलर यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं अगर इस कलर को करना चाहती हूँ तो इस कलर को सिलेक्ट करके, कलर चेंज हो रहा है, तो ये सब चेंज हो गया। अभी मैं इसको कार्ड क्रॉस कर दूंगा तो ओरिजिनल जो वेबसाइट है देखिए यहाँ पर भी कलर चेंज हो गया, बैलेंस चेंज हो गया। तो ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट का कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी डेटा चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा ही हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल का आइकन है बेल का आइकन में प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।